जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार भजन कीर्तन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह जो हैं वो समय समय पर राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका प्रभाव समस्त पृथ्वी वासियों पर पड़ता है। मित्रों, कर्म फलदाता शनिदेव ने शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किया है। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु ग्रह हैं, लेकिन इस नक्षत्र के पहले और अंतिम चरण के स्वामी जो हैं वो हैं गुरु। जबकि अगर देखा जाए तो दूसरे और तीसरे चरण के जो स्वामी हैं शनिदेव स्वयं हैं। इस समय शनि इस नक्षत्र के पहले चरण में 17 अक्टूबर तक रहेंगे, जिस चरण के स्वामी गुरुदेव हैं। ऐसे में शनि के इस गोचर के दौरान कई राशियों को 17 अक्टूबर तक सावधान रहना होगा, जिसके बारे की जानकारी आपको हम इस चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। मीन राशि के लोगों को शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन प्रतिकूल सिद्ध होगा। मित्रों, इसलिए अक्टूबर तक कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ेगा। इनको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। पैर और घुटनों से संबंधित इनको परेशानी हो सकती है। साथ ही अगर देखा जाए तो ये अगर ये फिजूल की खर्च से बचे तो इनको लाभ हो सकता है। व्यापार में इनको कम लाभ होगा। अगर कहीं से भी अगर देखा जाए तो ये उधार पैसा किसी को ना दें और ना किसी से इस अवधि में लें तो ज़्यादा इनके लिए हितकर होगा। मित्रों, मीन राशि के जातकों को प्रत्येक शनिवार शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जगाना चाहिए, इससे इनको लाभ मिलेगा। दूसरी राशि है कर्क राशि। शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन कर्क राशि के जातकों को नुकसान दे सकता है। सेहत में भी इनके उतार चढ़ाव बना रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति इनको सचेत रहने की आवश्यकता है। खांसी व जुकाम इनको इस अवधि में परेशान करता रहेगा। साथ ही कुछ व्यर्थ की यात्राएं भी हो सकती हैं, जिनसे इन्हें शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। वहीं पर अगर देखा जाए तो इस अवधि में इनको मानसिक तनाव भी हो सकता है, और जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनको व्यापार में भी नुकसान होने का संकेत मिल रहा है। मित्रों, कर्क राशि के जातकों को अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, अन्यथा इनको पेट संबंधी भी समस्याएं हो सकती हैं। शनि की ढैया भी चल रही है, इसलिए आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको हर शनिवार शनिदेव की प्रतिमा के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जगाना चाहिए और शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। मित्रों, इसके बाद है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों को शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों को हानि पहुंचा रहा है, क्योंकि आपकी राशि पर कंटक शनि चल रहे हैं। इसलिए इस अवधि में जो लोग प्रॉपर्टी का व्यापार कर रहे हैं उनको हानि हो सकती है, और जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी नुकसान हो सकता है। मित्रों, इस अवधि में जो लोग वाहन चलाते हैं, वाहन चलाने में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना दुर्घटना के योग भी बन रहे हैं। और इस अवधि में वाद विवाद से बचे, अन्यथा आपको बहुत नुकसान हुआ, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, ये रही छोटी सी जानकारी। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।